देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के सोनीपत रोड पर बनी कृष्णा कॉलोनी से सामने आ रही है, जहां पर आज सुबह 3 और 4 बजे के बीच एक वारदात को जो है हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया गया था, जिसमें 20,96,267 रुपये की लूट जो है सुबह की गई थी। हथियार के बल पर जो है ये लूट की गई थी। उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई थी और अब जो है पुलिस ने 4 टीमें जो है इसमें गठित कर दी गई है, जिसमें CIA की 2 टीमें और लोकल पुलिस की 2 टीमें यहां पर अब बनाई गई हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस ने ये 4 टीमें बनाई गई हैं। और ये जानकारी गोहाना ACP नरेंद्र खटाना ने पत्रकारों को अपने कार्यालय में ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द जो है इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है गोहाना पुलिस करेगी। लेकिन जो है कल आज सुबह जो है जिस तरह से ये वारदात हुई है, उसके बाद जो है आसपास के क्षेत्र में दहशत सी फैली हुई है। और बता दें कि ये जो मामला है पूरा 20,96,267 रुपये का मामला है, जहाँ पर जो है 2 हथियारबंद बदमाश जो है बाइक पर सवार होकर आते हैं, जहाँ पर जो कंपनी है फ्लिपकार्ट कंपनी की डिलीवरी यहाँ से होती है, तो वहाँ पर हथियार के बल पर और इन लूट को अंजाम दिया गया था। और देख सकते हैं गोहाना DCP जो है भारतीय दबास मौके पर छानबीन करते हुए सामने नजर आ रही है। आपसे अपील जरूर रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे कि गोहाना के सोनीपत रोड पर बनी कृष्णा कॉलोनी में जो है आज सुबह जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में है। सोनीपत तक भी की पुलिस जो है को भी एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी लूट को जो है यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और बता दें सुबह सुबह जो है 3 और 4 बजे के आसपास जो है इस लूट को अंजाम दिया गया था। अब जो है पुलिस ने 4 टीमें भी इस मामले के लिए गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई है। आप देख सकते हैं जहाँ पर आज गोहाना ACP नरेंद्र खटाना के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। बकायदा जो है 4 टीमें जो है इसमें गठित करने की बात जो है की जा रही है। आपसे अपील जरूर रहेगी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके। ये मामला सिटी गोहाना थाने में कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी है, वहीं उसी के नजदीक कृष्णा कॉलोनी है। वहां आज सुबह की एक 2 अननोन लोगों द्वारा मुंह जिन्होंने ढके हुए थे, उनके द्वारा एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और जो कृष्णा कॉलोनी में फ्लिपकार्ट कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके गोदाम खोला हुआ है, और वहीं सुबह आके उन्होंने अननोन 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सर क्या बताया कंपनी के ओनर, उन्होंने क्या बताया? कंपनी के जो यहाँ सुपरवाइजर है, अमित नाम है उनका, उनके द्वारा बताया गया है कि उनके 3 व्यक्ति यहाँ नीचे गोदाम में थे, और सुबह करीब 3-4 बजे के करीब 2 अज्ञात लोगों ने आके वहाँ उनको धमका के और हथियार के बल पे वहाँ रखी हुई जो लॉकर थी उसको उठा के ले गए हैं। और जिसमें उन्होंने हमें अब तक अपने रिकॉर्ड के अनुसार बताया है कि वो जो सामान इनकी डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट की, उसमें करीब 20 लाख के करीब इनका कैश था, और उसको लॉकर को कैश के साथ ही वो उठा के ले गए। अब वहाँ से अभी इस चीज़ की छानबीन चल रही है कि उसके अलावा और क्या क्या चीज़ लेके गए हैं, वो हम जांच का विषय है, उसमें लगे हुए हैं। और अप्सरा बालान के आदेश अनुसार इसको ट्रेस करने के लिए अभी हमने 4 टीमें बनाई हुई हैं, जो जिसमें 2 CIA की हैं और 2 हमारे लोकल थाने स्तर पे 4 टीमें हमने लगाई हुई हैं। और जो यहाँ से नज़दीक उसी में कृष्णा कॉलोनी के और जो भी रूट बनता है उसके सभी CCTV कैमरेज को खंगाला जा रहा है, और इसको लूट को जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम लगे हुए हैं। सर कंपनी के जो अधिकारी ने बताया वो कितना कैश कहाँ से आया?
फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी लोगों को ये आइटम दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जितना भी अकाउंट जाता है, अब 2 दिन की छुट्टी ना होने की वजह से, छुट्टी जो थी 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से बैंक की, ये कैश इनका डिपॉजिट नहीं हुआ, वरना रोजाना इनका तो तिजोरी की जो हाँ लॉकर था उसके बताया। तो अभी जो जो सामान गया अन्य, इसके अलावा कुछ और है उसके लिए जारी है।